वन विहार रोड पर स्थित सफल रिट्रीट पर केरला गारमेंट फेस्टिवल का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वन विहार रोड स्थित होटल सफल रिट्रीट पर 6 दिवसीय केरला गारमेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सफल रिट्रीट एग्जीक्यूटिव शेफ नरेंद्र राजपूत ने कहा कि इस फेस्टिवल में केरल के 75 से अधिक व्यंजनों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आम लोगों में धारणा है कि दक्षिण भारतीय भोजन इडली डोसा तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केरल में मसाले की भरपूर खेती होती है और वहां के चुनिंदा मसाले से यह व्यंजन तैयार किए गए हैं, जिसमें पूरन पायसम चक्री आदि प्रमुख है। शेफ राजपूत ने बताया कि इसमें वेज एवं नॉन वेज दोनों आइटम शामिल है। विशेष रूप से अंडे का हलवा एवं पायसम, एवियल पचाड़ी, अपम केरला चिकन करी, पूटू मटन वापस, केरल हलवा तोरण प्रमुख है। फेस्टिवल 24 से 29 अक्टूबर जो कि आज अंतिम दिवस है, भोपाल में अलग अलग प्रदेशों के फेस्टिवल आयोजित किए गए हैं। यह केरल का पहला फेस्टिवल है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों को साउथ इंडियन डिशेज मिलेंगे। साउथ इंडियन ही नहीं बल्कि पूरे भोपाल के लिए एक विशेष अवसर है। साउथ इंडियन के 75 से अधिक डिशेज विशेष का आनंद ले सकेंगे। भोपाल से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, मैं आपके साथ आशीष द्विवेदी। आज हम मौजूद हैं सफल रिट्रीट होटल में। जैसा कि आप देखा जा रहा है कि यहाँ पे KGF केरला गवर्नमेंट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 24 से 29 तक यह आयोजन निरंतर चल रहा है। हमारे साथ सेफ नरेंद्र राजपूत जी हैं जो बात करने के लिए केरला गवर्नमेंट के जितने फेस्टिवल होते हैं और जितने वहाँ के डिशेस होती हैं उनके बारे में उनसे जानेंगे। यहाँ पे जो वो लगाया है इन्होंने, फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है, उनसे जानेंगे सर किस प्रकार की ये फेस्टिवल है और क्या क्या इसमें मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको इस फेस्टिवल के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? और सर पहली बार भोपाल के अंदर जो हम केरला फूड फेस्टिवल लाए हैं उसका रिस्पॉन्स अभी तक हमारे देखा है 3-4 डेज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों ने जो सोचा था कि हम केरला फूड फेस्टिवल को इडली सांभर डोसा के व्याप में जाना था, पर ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट टाइप की कुजिन थी तो लोगों ने पसंद भी किया, भोपाली वासियों ने जो फूड लवर हैं अभी तक की डेट में। और जहाँ का स्पेशली जैसे कि लाइक अप्पम है, पुट्टू है, तो उन्होंने बहुत पसंद किया कि पहली बार के भोपाल में हम लोगों को एक व्यंजन इतने बड़े तरीके से वेज और नॉन वेज को हमने केरला वासियों को भोपाल वासियों को हमने सर बात करें कि पहला फेस्टिवल है भोपाल में केरला फेस्टिवल। सर जैसे कि देखा गया है कि आम जनता की एक धारणा बन चुकी है आपका इडली सांभर डोसा, तो सर इससे बड़े के क्या कुछ है केरला में, क्या कुछ स्पेशल है उसके बारे में दर्शकों को बताएं आप। केरला के बहुत सारे आइटम्स हैं, सभी आइटम्स के नेम तो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर जो फिर भी कुछ डेली प्रोसेस में उनके आइटम्स रहते हैं। जैसे स्पेशल तौर पे ओनम पे या सद्याय में जो सर्व करते हैं वो केले के पत्ते पे, जैसे अवियल है, थोरन है, पचड़ी है, पायजम है, और स्पेशली हमने केरला हलवा भी यहाँ पे इस व्यंजन में ट्राई करवाया है भोपाल वासियों को। और सेकंड जो ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा अधिक वहाँ पे खाया जाता है जो है अप्पम है, पुट्टू है, कलड़ा कड़ी है, और स्पेशल काउंटर जो डिफरेंट टाइप की और फिश भी हैं, जैसे करीमीन हो गई, मती हो गई, जो फिश पोली चाटो हो गई, डिफरेंट टाइप की फिश भी हैं। तो जैसा कि देखा गया है कि 78 डिशेज समथिंग इस केरला फूड फेस्टिवल में रखा गया है। हम कुछ दिखाएंगे आपको, दर्शकों को दिखाएंगे कि आप ये देख सकते हैं इडली सांभर, तो एक आम तौर पर देखा गया है कि हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डोसा भी हैं, डिफरेंट टाइप की काफीज हैं, चाय है, आपका ये अप्पम है सर, इसकी बात कर रहा हूँ, ये अप्पम काउंटर है, पुट्टू है एंड इडी अप्पम है जो ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। सेकेंड कलाड़ा कड़ी है और वेज क्या है। कलाड़ा कड़ी की क्या विशेषता है? और इसके पुट्टू के साथ सर्व किया जाता है एंड अप्पम है जो वेज ट्यू के साथ सर्व किया जाता है। तो केरलावासी जो अधिकतर इसे कोकोनट ऑयल के साथ प्रिपेयर करते हैं, और हमने भोपाली वासियों को इसलिए ये दिखाया कि ओनली इडली सांभर डोसा के बे आप में ही ये फूड नहीं बनाया जाता, उसमें डिफरेंट टाइप के कुजिन भी है। और जैसे लाइक आप देखना चाहोगे तो फिश भी है जो ग्रिल्ड फिश है, मती जो केला फिश फ्राई बोलते हैं, वहाँ के स्पाइसेस होल स्पाइसों से ये बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से डिशेस थी, हमारे साथ सेफ राजपूत जी थे, बताया उन्होंने किस तरह से हमारे साथ डिशेस है। कुछ यहाँ पे यहाँ के लोकल के वासी भी हैं,
आमतौर पर देखते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसा लगा यहाँ आके केरला डिशेस में आपके पास, और वो मौजूद हैं यहाँ पे आए हैं देखने, तो मैं उनसे चर्चा करूँगा, बताऊँ पूछूँगा। सर, आज यहाँ पे केरला गवर्नमेंट फेस्टिवल में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है और किस प्रकार का देखने को मिल रहा है आपको? काफ़ी अच्छा खाना है, ऑनेस्टली द चिकन एंड मटन इज़ रियली नाइस एंड इवन द वेज फूड इज़ गुड। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को चैनल का मतलब? प्लीज़ आइए इन दिस केरला गोरमेट फेस्ट, इट इज स्टिल संडे, कल तक है ये, एंड प्लीज़ एंजॉय द फूड। तो ये देख सकते हैं किस तरह से दर्शकों ने बताया कि बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, कई प्रकार के भोजन है, और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगा कि वो दिखाएँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सलाद है, चने हैं, और ये फ्रूट्स हैं कुछ यहाँ पे, और रायता वगैरह भी है। तो इस तरह की डिशेज हमारे यहाँ इस केरला गवर्नमेंट में उपस्थित थी। वीडियो जर्नलिस्ट एनके सिंह के साथ आशीष द्विवेदी, द खबर न्यार न्यूज़ भोपाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।